पानीपत के असंध रोड स्थित सेतिया पेट्रोल पंप पर कार सवार एक युवक ने पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान युवक ने पंप संचालक के पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घायल भी कर दिया। ये घटना बीती देर रात लगभग 10 बजे की है। वहीं ये वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आप सीसीटीवी तस्वीरें देखिए कि कैसे युवक आता है और उसके बाद मारपीट शुरू कर देता है। पेट्रोल पंप संचालक अनिल सेतिया ने बताया कि रोज की तरह वो बीती देर रात भी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पिता भी पंप पर मौजूद थे। तभी सियाज कार में एक युवक वहां पर आया और पंप के सामने उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकली तो उसने गाड़ी में लाठी निकालकर पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। रात को 10 बजे करीब भाई छोटा पंप पे बैठा था। एक लड़का जो आया नशे में धुत था, उसने उसकी गाड़ी फंसी हुई थी, उसको निकलवाने की कोशिश की, निकली नहीं वो गाड़ी। तो उसके बाद उसने गाड़ी में से लाठी निकाल के मशीनों को तोड़ा फोड़ा और हमारे को चोट भी मारी। पिताजी की आँख पे चोट मारी है। और उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ है, उसकी हम फुटेज जो उसमें डाल के चिप में डाल के आगे हैंड ओवर करेंगे पुलिस को। आग लगाने की बात कर रहे थे? हाँ, आग लगाने की बात कर रहे थे। नोजल उठा के उन्होंने बोला अभी हम आग लगाते नहीं तो इसको, कुछ इस तरह की बात करी उन्होंने। कितने तोड़ दिए नोजल? सारी मशीनें तोड़ दी उन्होंने। विरोध करने पर सबके साथ मारपीट की और उसके पिता को भी घायल कर दिया, जिसके बाद वो गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। वहीं सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। शिकायत सुनील कुमार ने शिकायत दी है, सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता है भाग गया। ये जो इन्होंने अब दरखास्त दी है, जो कार्यवाही उसकी कार्रवाई करें। कितने बजे घटना थी और किस पे आए थे और क्या कैसे? ये रात 10 बजे ही घटना थी और अपनी गाड़ी लेके आया था, जो गाड़ी इसमें फंस गई थी नाले में, उसकी वजह से इनकी कुछ कहा सुनी, उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया था, उन्होंने मारपीट शुरू उसने कर दी थी। कितने लोग थे? एक ही था जी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज चाहिए? फुटेज देखी हुई जी, अब ये फुटेज देखी यहाँ पे तो उसके आधार पर कार्रवाई चल रही। वहीं जांच अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि बीती देर रात युवक द्वारा पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत मिली है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। आसमां का रंग नया सा है, जीने का ढंग।